कानून किसान हितु सी, प्रधानमंत्री भी किसान हितु ने, साड़ी सरकार भी किसानों के हित है, पर पूरे देश का किसान यह चाहता सी कि कानून लागू हो। कानून अच्छे से आमदन दुगनी करने भी चाहिए सी। ईवन डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि मेरिया 80% चीज़ा इन कानून है जी मैं कही स्वामीनाथन रिपोर्ट दी। उस दे बावजूद भी एक सैक्शन ऐसा किसानों का जिन्हों असी समझाने कामयाब नहीं हो पाए। मंत्री जी ने जो ये देखा कि भी असी समझा नहीं सकते, उन्होंने कानून वापस ले और नाल उन्होंने सड़कों पर बैठने लिए माफ़ी मंगी। तो मैं हूँ असी तो माफ़ी मंग ली, मैं भी माफ़ी मंगता क्योंकि मेरे तो भाईबंदी से जो सड़कों पर बैठे जी। पर कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू या चरणजीत चन्नी इसलिए माफ़ी मंगणगे जो 84 च नसलकुशी की सिखा दी? राष्ट्रपति भी सिख रहे, उन्होंने अज तक कदे भी करतारपुर साहब कोरीडोर के निर्माण की गल नहीं की, सिखा की नसलकुशी का 84 का इंसाफ मिले वो गल नहीं की। साढ़े नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सज्जन कुमार वगैरह छुट गए सी, दोबारा सिट बनाई, दोबारा हुण सलाखां दे पिछे ने। 84 की नसलकुशी का बिना मंगण तो इंसाफ देने की कोशिश की। एडा वड्डा किसान अंदोलन सीगा जिने किसान शहीद होए, एक बहुत वड्डा धब्बा जिहड़ा हैगा वा बीजेपी ते लग चुका? नहीं, बीजेपी ते कोई धब्बा नहीं लग्या, बीजेपी ने किसी नूं शहीद नहीं किया। ये गल्लां जिहड़ियां ने गलत ने, आम आदमी वाले आपदे मत्थे तो धब्बा ला के सिखां दी नसलकुशी दा साडे मत्थे ते लाउणा चाहुंदे सी। ये तो मैं नरेंद्र मोदी जी नूं, अमित शाह जी नूं और दिल्ली पुलिस नूं सल्यूट करदा जिन्हां ने उस धब्बे तो बचा लिया। 30-30 फुट तो छालां मारियां ने दिल्ली पुलिस के जवानों ने, उन्होंने को असला भी सीगा, गोली भी चला सकते सी, उन्होंने को लाठी भी सी, डंडा भी सी, वो भी चला सकते सी, नहीं चलाया, खुद जख्मी हो गए। इत्थे अकाली दल इलैक्शन लड़ता रहा, कानून पहला अकाली दल बनवा गया। बीबा हरसिमरत उस कैबिनेट सी जिदे च साइन होए आ, उदों नहीं किसी ने कहा, उदों कानूनों के फायदे बाहर आके गणाउंदे रहे ने। सुखबीर बादल भी, बीबा हरसिमरत बादल भी, अकाली दल के लीडर भी, बाद च इन्होंने यू टर्न ले लिया। ये सुनने दे विच आ रहा कि यूपी दे विच भाजपा नूं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा सी, अगे चोणां भी हैगे, इन्हां चीज़ां नूं लैके भी एक पोलीटिकल स्टंट सीगा जिहड़ा कि देश दे प्रधानमंत्री वल्लों खेडिया गया? बड़ी गलतफहमी। जदों इह अंदोलन चलदा सी, असीं पंचायती चोणां राजस्थान च कांग्रेस की सरकार आ उत्थे जित्तियां ने, कहि के झूठ बोलदे आ। हुण इह पता ही कहिंदे प्रधानमंत्री दी गर्दन चों किल्ला कढ़ते, भाषा बोलण वाली इहनां दी, इह इहनां दा कल्चर है, प्रधानमंत्री के बारे इदा बोलणगे। और कोई भी छोटे छोटा आदमी जिन्हों बुद्धि नहीं है, सदबुद्धि देवे परमात्मा, उन्होंने मैं कहूँगा वो प्रधानमंत्री ने कल उन्हें भी कहा, मनीष तिवारी ने, हालांकि कांग्रेस का लीडर आ, उन्हें कहा राकेश टकैत सी सामने, उन्हें की कहा पता, कहते जो प्रधानमंत्री ने इन्नी गल कहती कि कानून विदड्रॉ हो गए तो फिर ये किंतु परंतु ना करो, प्रधानमंत्री आओ देश के, पूरे देश के, और इस तरह की गल्ला ना करो। तो केस टकैत करके समझ नहीं बेचारा कॉन्स्टेबल रहा है, चलो किसानों ने नेता बना लिया। सवाल बड़ा रिपीट हो रहा है, मैं भी वो दोबारा फिर भी पूछने की कोशिश कराँगा। कैप्टन साहब दू वेलकम है तुहाडे वल्लों, भाजपा दे वल्लों क्या भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा भी दस दो। इदा ये जेडे जां तां कोई ज्योतिषी दस सकदा है गल, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल नूं भी ज्योतिष आउंदा, कुछ आम आदमी पार्टी वालों नूं भी आउंदा, वो कहिंदा मेरी सरकार बनो, वो कहिंदा मेरी सरकार बनो। अरे भाई पहला MLA तो बना लो, मुख्यमंत्री तो फिर बनोगे। अचानक तुहानू घेर लैंदे ने, तुहानू कोई डर पै नहीं लगदा इन चीज़ां? कोई डर पै नहीं। जगबाणी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों एक वड्डा ऐलान बीते दिन किया गया कि किसान जिहड़े बैठे ने सरहदां ते उन्हां दी मंग सुनी है, तो ऐलान किया कि जो खेती कानून ने उन्हां नूं रद्द कर दिता जाएगा, तो जल्दी ही सैशन बुलाया जाएगा तो उस दे विच इस नूं रद्द किया जाएगा। तो साडे नाल मौजूद ने भाजपा के सीनियर लीडर हरजीत गरेवाल, गलबात करांगे उहनां दे नाल। सर स्वागत है। शुक्रिया जी, धन्यवाद। सर किवें देखते हो देश के प्रधानमंत्री वालों श्री गुरु नानक देव जी के गुरपुरब ते एक वड्डा सुनेहा जिहड़े पंजाब के लोगों नूं, पंजाब के किसानों नूं दिता गया, किवें देखते इस चीज़? पहली गल तो यह कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहिंदे आ, मैं मिलिया कई बार, वह कहिंदे कि नानक नूं पढ़िया करो। नानक ने कहा, नानक है भी सच, नानक होसी भी सच। वह सच्चे मन नाल सरकार चला रहे, सच्चे मन नाल ही उन्होंने कानून बनाए सी। इंसान तो कम करते हुए गलतियां भी हो जाती हैं, पर यह कानून किसान हितु सी, प्रधानमंत्री भी किसान हितु ने, साड़ी सरकार भी किसानों के हित है,
पर पूरे देश का किसान ये चाहता सी कि कानून लागू हो, कानून अच्छे से आमदन दुगनी करने भी चाहिए सी। ईवन डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि मेरिया 80% चीज़ा इन कानून है जी मैं कही सी स्वामीनाथन रिपोर्ट दी। उस दे बावजूद भी एक सैक्शन ऐसा किसानों का जिन्हों असी समझाने च कामयाब नहीं हो पाए इन दे फायदे उन्होंने कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो इस तरह पार्टियां समझाने कामयाब हो गई कि यह कानून किसान हित नहीं, किसान की जमीन खो के अडानी अंबानी इन कानूनों देंगे तो उन्होंने गलत समझाता ना जमीन खोई है ना खोनी सी। जदों एक साल बीत गया किसान जैनुअन किसान सड़कों पर बैठा रहे, किसान जथेबंदियों का अंदोलन से उन्होंने 4-5 लाख किसान जोड़ ले सी। जिहड़े किसान जुड़े से उन्हां दी कोई विचारधारा नहीं, वो किसान हित लई अपनी लड़ाई लड़न वास्ते गए सी। जे कई जथेबंदियां आपदी विचारधारा लई काम करदियां ने सियासी विचारधारा, कोई कम्युनिस्ट आ, कोई कांग्रेस का, कोई किसी का, कोई किसी का, अलग चीज़ आ, वो अलग विषय है। पर जैनुअन किसान सड़कों पर बैठा सी तां प्रधानमंत्री जी ने जदों ये देखिया कि भी असीं समझा नहीं सकते, उन्होंने कानून वापस ले और नाल उन्हां दे सड़कों पर बैठने लई माफ़ी मंगी। तो मैं हुण असी तो माफ़ी मंग ली, मैं भी माफ़ी मंगदा क्योंकि मेरे तो भाईवंद ही सी जिहड़े सड़कों पर बैठे सी। पर कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू जां ये चरणजीत चन्नी इसलिए माफ़ी मंगणगे जिहड़ा 84 च नसलकुशी की सिखां दी खालसा दी? और 3 दिन जिहड़े दंगे हुंदे आ ना, वह जिस तरह गुजरात के दंगे हुए उत्थे दंगाकारी पुलिस की गोली का शिकार होंदे ने, इहदे च एक भी दंगाकारी पुलिस की गोली का शिकार नहीं हो जिहड़े नसलकुशी कर रहे सी। इहदा मतलब सरकारी नसलकुशी सी और 3 दिन लगातार हुई बेरोक टोक हुई। इस करके ये उस दे लई कांग्रेस ने जिहड़ी करवाई, कांग्रेस की सरकार ने करवाई उस वेले दी ने, उहदे लई माफ़ी मंगण और विधानसभा का सैशन बुला के उहदे च माफ़ी मंगण। फिर श्री अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी करता और सिख संस्थावां का अपमान किया, उहदे लई ये माफ़ी मंगण। तो वो अज तक इन्होंने मंगी नहीं है। इस मुल्क दे प्रधानमंत्री सिख रहे, राष्ट्रपति भी सिख रहे, उन्होंने अज तक कदे भी करतारपुर साहब कोरीडोर के निर्माण की गल नहीं की, सिखां दी नसलकुशी का 84 का इंसाफ मिले वो गल नहीं की। साढ़े नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सज्जन कुमार वगैरह छुट गए, दोबारा सिट बनाई, दोबारा हुण सलाखां दे पिछे ने। 84 की नसलकुशी का बिना मंगण तो इंसाफ देने की कोशिश की। और फिर उन्होंने जिहड़ा काली सूची सी ब्लैक लिस्ट 35-35 साल तो वध समय तो सिख घरां च नहीं सी आ पा रहे, उन्होंने उहदा इंसाफ दिता और वह काली सूची खत्म करती, सिर्फ 2 रह गए ने लोग जिहड़े जैनुअन सी। उस तो बाद श्री हेमकुंट साहब के लिए रोपवे जदों श्री केदारनाथ गए तो उन्होंने कहा भी ये रोपवे भी बनना चाहिए, वह भी बन रहा, निर्माण हो रहा लोगों के जाने लिए। और इस दे नाल ही जिहड़ा करतारपुर साहब का कोरीडोर 1999 अटल जी पाकिस्तान गए सी, उन्होंने कहा सी कोरीडोर बनना चाहिए, ना सिख प्रधानमंत्री ने बनाया ना सिख राष्ट्रपति ने कहा, तो नरेंद्र मोदी जी ने आके उहदा निर्माण करवाया। और उस तो बाद 110 करोड़ तो वध लोगों नूं कोरीडोर बंद हो गया सी कोविड की महामारी की वजह करके, 110 करोड़ तो वध लोगों नूं फ्री वैक्सीनेशन करवा के खुद मोनीटर किया प्रधानमंत्री जी ने, उन्हां नूं सुरक्षित किया कोविड की महामारी तो, फिर ये लांघा खोलता तो हुण लोग जिहड़े आ उह गुरु के दर्शन लई जा सकते हैं। और वो लांघा सधारण कोरीडोर नहीं है, वो गुरु नानक देव ने उत्थे हत्थी किरत करके किरत करो नाम जपो वंड छको दा उपदेश दिता, जिहड़ी दुनिया की सब तो बड़ी आर्थिक नीति है। अज तक कोई भी आर्थिक माहिर उस तो बड़ी आर्थिक नीति नहीं दे सके। ग्रहल साहब, इन्ना कुछ देश के प्रधानमंत्री ने किया जदों दे सत्ता दे विच आए ने, पर लगता नहीं कि भी जिहड़ा हुण तां एडा वड्डा किसान अंदोलन सीगा जिहने किसान शहीद होए इक बहुत वड्डा धब्बा जिहड़ा हैगा वा बीजेपी ते लग चुका? नहीं, बीजेपी ते कोई धब्बा नहीं लग्गिया, बीजेपी ने किसी नूं शहीद नहीं किया, ये गल्लां जिहड़ियां ने गलत ने। क्योंकि सोशल मीडिया से असीं अज भी पेज खोलदे आ, उत्थे बहुत लोग हैगे ने जिहड़ियां फोटोआं जिहड़े शहीद होए ने किसान उहनां दीआं शेयर करदे पए ने, बीजेपी नूं हाले भी उह कोसदे पए ने कि भी उहनां करके होया की फायदा होया भी इन्ना चिर किसानां नूं बिठाया ते इन्ने किसान शहीद हो गए। गल इह साडे कानून अच्छे सी, असीं उस सैक्शन ऑफ सोसाइटी किसान जिहड़ा खेती ते आधारित 24 करोड़ आ, जिहड़ा मूंगफली दी रेहड़ी लाउंदा, जिहड़ा सब्जी दी रेहड़ी लाउंदा, उह भी खेती ते आधारित आ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ,
और दो जिले हरियाणा दे आ और एक दो जिले वैस्टर्न यूपी दे आ। इत्थों दे किसानां नूं असीं कन्विंस नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए, कोशिश की समझाउण दी ते जदों लग्या कि नहीं समझते तां किसानां दी रिस्पैक्ट कीती ते उन्हां ने नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी भी मंगी और नाल कानून भी वापस ले ले। और उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये की करना चाहुंदे सी कांग्रेस वाले और आम आदमी वाले आपदे मत्थे तो धब्बा ला के सिखां दी नसल कुशी दा साडे मत्थे ते लाउणा चाहुंदे सी। ये तो मैं नरेंद्र मोदी जी नूं, अमित शाह जी नूं और दिल्ली पुलिस नूं सल्यूट करदा जिन्हां ने उस धब्बे तो बचा लिया। 30-30 फुट तो छालां मारियां ने दिल्ली पुलिस के जवानों ने, उन्हां कोल असला भी सीगा, गोली भी चला सकते सी, उन्हां कोल लाठी भी सी, डंडा भी सी, वह भी चला सकते सी, नहीं चलाया, खुद जख्मी हो गए। तुसीं मीडिया नहीं दिखाया कवरेज करके, इस करके वो दिल्ली पुलिस नूं सल्यूट करना चाहिए, अमित शाह जी की सूझबूझ नूं सल्यूट करना जिन्हां ने उस धब्बे तो बचा ले जो ये लाना चाहते सी। पर तुसीं कहा कि भी जिहड़े हुण किसान उत्थे बैठे ने सरहदां ते जेन्युइन किसान हैगे ने, चलो हुण थोड़ी मात्रा दे विच आपां कह सकदे, तुसीं कहिंदे हो कि भी राजनीतिक लोग पहलां शामिल सीगे, जिहड़े हुण बैठे ने जेन्युइन ने, कि हुण उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश जे कीती जांदी की पता मन जांदे? अरे भाई कीती तां है, कि असीं कोशिश नहीं कीती? असीं तां जिन्नी साडी असल की होया कि ये जिहड़े इलाकियां चों अंदोलन उठिया ना, इत्थे अकाली दल इलैक्शन लड़दा रहा, कानून पहलां अकाली दल बनवा गया, बीबा हरसिमरत उस कैबिनेट सीगी जिहदे च साइन होए आ, उदों नहीं किसी ने कहा, उदों कानूनां दे फायदे बाहर आके गणाउंदे रहे ने, सुखबीर बादल भी, बीबा हरसिमरत बादल भी, अकाली दल दे लीडर भी, बाद च इन्हां ने यू टर्न ले लिया। वो तो सानूं तो बाद च कमान संभालनी पई है, तो इस करके साडी प्रेजेंस नहीं सी उन्हां इलाकियां ज़्यादा, असीं कदे चोण नहीं लड़ी, तो 200 किलोमीटर का एरिया मालवा का खाली पिया साडा, उत्थे अकाली दल लड़दा सी। जदों तक तुसीं डेमोक्रेसी च इलैक्टरल पॉलिटिक्स नहीं जाते उदों तक ये तुहाडा आधार नहीं बढ़ता। प्रकाश सिंह बादल ने भी देश के प्रधानमंत्री की सिफत की है, उन्हों की प्रशंसा की है, पर नाल ही उन्होंने कहा कि भी फैसला लेट लिया गया। चलो देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, किसान हित फैसला लिया, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि तुसी पाकिस्तान च इदा का काम नहीं कर सकते, ईश निंदा कह के 10 दिन च फांसी दे देंदे आ। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि इत्थे लोक दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र है, कोई किसी का भी विरोध कर सकता, कोई किसी को कालियां झंडियां दिखा सकता शांतमई तरीके। प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला लैके डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया और उन्हां दी जिहड़ी प्रधानमंत्री जी की स्टेट्समैनशिप है ते जिहड़ा वो एक बड़े लीडर ने दुनिया के, उहदे च होर इजाफा होया और उन्हां दी सूझबूझ च, उन्हां दी नम्रता च इजाफा होया। उही कहा ना नानक ने कहा कि नानक नीवा जो चले लागे नताती वो, तो उन्होंने माफ़ी मंग ली। पंजाब भाजपा की जिहड़ी शाख हैगी अगे नालों बेहतर होवेगी, किवें लगदा तुहानू? ये असीं पंजाब भाजपा की शाख लई कुछ नहीं किया, वोट बैंक लई हुण मेरी गल सुनो, इहदे च अंदोलन चलाउण वाले किहड़े सी? कांग्रेस सी, आम आदमी पार्टी सी, उह सानूं कदे वोट करनगे? साडी तां विचारधारक लड़ाई है उहनां नाल, ठीक है, इस करके सानूं वह वोट की गल नहीं है, साख सूख का अलग मुद्दा, वो तुसीं अलग लियो। अज तो यह है कि भी ये करके तो असी तो यह मंग करते हैं कि जिहड़ी 84 की नसल खुशी है और जिहड़ा सिखां दा कतलेआम होया उहदे लई ये माफ़ी मंगण, और हुण इन्हां नूं भी मंगनी चाहिए है, तो ये क्यों नहीं मंगते और विधानसभा च मंगण? और जगदीश टाइटर ते जिहड़े बड़े पोस्टां ते बैठे आ, वो जिहड़ा मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी रहे आ ते हुण भी कांग्रेस के बड़े लीडर आ वर्किंग कमेटी के, ये सारे दोषी ने। इन्हां नूं नवजोत सिंह सिद्धू कहे ना, इन्हां नूं बाहर कढ़ो, दोहरा चेहरा क्यों आ नवजोत सिंह सिद्धू का, क्यों चरणजीत चन्नी का, क्यों नहीं उहदे बारे बोलते? विधानसभा च कहन, और सोनिया गांधी नूं कहन, राहुल गांधी नूं कहन, जिहड़े चैंपियन बनते हैं, ठीक है ना। गरीबां साहब मेरे एक दो सवाल होर हैगे राजनीतिक एंगल नूं लैके, ये सुनने दे विच आ रहा कि यूपी दे विच भाजपा नूं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा सी, अगे चोणां भी हैगे, इन्हां चीज़ां नूं लैके भी एक पोलीटिकल स्टंट सीगा जिहड़ा कि देश दे प्रधानमंत्री वल्लों खेडिया गया? बड़ी गलतफहमी है, जदों ये अंदोलन चलता सी असी पंचायती चोणा राजस्थान च कांग्रेस की सरकार आ उत्थे जितियां ने, पिंडां दीयां चोणां वह भी जितियां ने, जिला परिषद ते ब्लॉक समितियां भी जितियां ने, ठीक है, साडी पार्टी की जित हुई उस वेले, कोई ऐसा असर नहीं सी। और बंगाल के अंदर ये झूठा प्रचार करते, साडियां 4% वोटां सी, असी 37.8% वोटां ते पहुँच गए, 3 सीटां सी 77 सीटां ते आ गए। ये तो राजे वालों नहीं इत्थे आ के झूठ बोलते हैं, हुण ये पता ही कहिंदे आ प्रधानमंत्री की गर्दन चो किला कढ़ता है भाषा बोलने वाली, इन्हां दा कल्चर है प्रधानमंत्री के बारे इदा बोलणगे। और कोई भी छोटे छोटे आदमी जिन्हों बुद्धि नहीं है, सदबुद्धि देवे परमात्मा उन्हों, मैं कहूँगा वो प्रधानमंत्री ने कल उन्हें भी कहा, मनीष तिवारी ने, हालांकि कांग्रेस का लीडर, उन्हें कहा राकेश टकैत सी सामने, उन्हें की कहा पता
ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 117 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 117 ਅਸੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ 117 ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੋ। ਅਰੇ ਬਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ MLA ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਜੂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਜੂ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊ, 27 ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਚਾਹੇ MLA ਤੁਸੀਂ 90 ਬਣਾ ਦਿਓ, 27 ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ BJP 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਡਰ ਬੇਸਡ ਕਮ ਮਾਸ ਬੇਸਡ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ? ਜਿਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੂਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ BJP RSS 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਬੰਦ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਘੇਰਨਾ? ਘੇਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਸਟ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ? ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ।
ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਨੇਕ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਨ ਗਿੱਲ।